वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों बात करने वाले हैं सुपर टेट 2020 के विषय में। ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि दोस्तों यूपीटीईटी 2019 के रिजल्ट के तुरंत बाद होगी बड़ी शिक्षक भर्ती। तो इस विषय में जानने वाले हैं बिल्कुल जो जेन्युइन न्यूज़ है दोस्तों, फैक्ट के साथ वो जानने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूपीटीईटी की कोर्ट अपडेट और सुपर टीटी की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। न्यूज़पेपर की दोस्तों आप हेडलाइन देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियां। तो दोस्तों इन भर्तियों के विषय में जानने वाले हैं, प्लस दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानने वाले हैं कि इसकी जो भर्ती होने वाली है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। फिलहाल दोस्तों खबर पढ़ लेते हैं, परिषदीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्तियाँ अब नए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा भर्ती के प्रस्ताव तैयार कर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि अगले महीने राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती आयोग के जरिए भर्ती कराई जाएगी। विभाग ने सभी जिलों से रिक्त पदों का प्रस्ताव मांगा है। तो दोस्तों मेन बात आप लोगों को बता देता हूं, इसमें करीब करीब दोस्तों 4000 पद खाली हैं, और 4000 पद जो खाली हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सिंपल दोस्तों आप लोगों के पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में दोस्तों कुछ भी, चाहे आपके पास BBA हो, BCA हो, BTEC हो, BA हो, BSc हो, कुछ भी दोस्तों सिंपल यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। प्लस दोस्तों अगर आप लोगों के पास BEd है या फिर BTC किया हुआ है या जिसे DLED भी कहते हैं वो भी चल जाएगा, और एक जो 4 साल की डिग्री दोस्तों आती है BSc BEd या BA BEd वाली जो डिग्री आती है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो भी चल जाएगा। तो और प्लस दोस्तों एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें TET होना चाहिए आप लोगों के पास, TET कौन सा दोस्तों, जूनियर लेवल का TET क्वालिफाई होना चाहिए, जो पेपर 2 होता है CTET में, और जो जूनियर लेवल का पेपर UPTET में होता है आप लोगों को पता होगा, तो वो भी आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप इन रिक्त पदों में भर सकते हैं, आप अपने जो ये वाला फॉर्म है उसको आप आराम से भर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों देखने वाली बात है कि UPTET के प्राइमरी में तो काफ़ी ज़्यादा याचिकाएं पड़ गई हैं, लेकिन दोस्तों जिस चीज़ की वैकेंसी आ रही है यानी कि अपर प्राइमरी की, उसमें दोस्तों अभी तक किसी ने भी याचिका नहीं डाली है। तो जैसे ही कोई जानकारी आएगी उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी इन याचिकाओं में किसी को पैसे देने वाले हैं तो काफ़ी सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड लोग आ गए हैं जो आप लोगों से पैसे लेके पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो काफ़ी सोच समझ के दोस्तों पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।